हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। राइट, तो एलर्जिक राइनाइटिस कितना मस्त नाम लग रहा है ना। एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें? बेसिकली एलर्जी के कारण होता है ये, समझ में आता है कि हाँ एलर्जिक लिखा है, कुछ एलर्जी का कारण होगा। अब एलर्जी का कारण क्या है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेकेंड ईयर पैथोलॉजी। राइट, कोई भी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन कम्युनिटी मेडिसिन आपका हर जगह रिलेट होगा, ठीक है ना। ऐसा ये मत सोचना कि हाँ भैया हमने पढ़ लिया वो बीत गया, ठीक है ना, आपको मेडिसिन में वो काम आएगा, ठीक है। तो एलर्जिक राइनाइटिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव जैसे ही हम लोग सोचते हैं हमारे दिमाग में एक चीज फट से क्लिक करती है, IgE एंटीबॉडीज का रिलीज, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे? IgE एंटीबॉडी का रिलीज। राइनो मतलब क्या? राइनो मतलब नोज, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। एलर्जी के कारण नोज में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ उसको क्या कहेंगे? एलर्जिक राइनाइटिस। तो इंट्रोडक्शन, 15 से 30% इंडिविजुअल्स में होता है, सेकेंड टू फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ। राइट, ऑल्सो नोन एज हे फीवर भी कहते हैं इसको। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा ड्यू टू एलर्जन। राइट, बहुत ही सिंपल सी चीज, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एलर्जन। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या है? तो फैमिली हिस्ट्री क्रोमोजोम नंबर 3-4 में होती है, मेल मोर कॉमन, हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में मोर कॉमन, एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सुट्टा फूकने से भी हो जाता है, ठीक है, अधिकतर चीज़ें सुट्टा फूकने से होती है, लेकिन स्ट्रेस बस्टर तो वही होता है भाई, ठीक है। तो मैं ठीक है ना, तो ज़्यादा इस पे बहस नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी सबको फूकना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा क्रोनिक नहीं होना चाहिए, क्रोनिक नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए ना बस, अगर अगर आपका एग्जाम है तो हो गया, अगर दिन में एक दो बार, ठीक है ना, और आप अगर एग्जाम नहीं है तो मत पिया करो, ठीक है ना, अवॉइड करो इस चीज़ को। बहुत स्ट्रेस में हो तभी लो ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एकदम कि आ गए एकदम चूतियों की तरह बस पड़े हुए हैं कॉलेज में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस इतना रखो कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना डाले, ठीक है ना, मत ही करो, अच्छा है, नहीं करोगे अच्छा है, कर भी रहे हो तो मतलब बहुत क्रोनिक नहीं हो जाना उसके लिए कि हाँ भाई कि मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना, डिपेंड नहीं करना उसके ऊपर। बहुत लोग होते हैं डिपेंड कर जाते हैं, तो दिन के चार चार पाँच पाँच फूकने लगते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत पी लो फिर उसके बाद छोड़ दो एक आध साल, और वैसे भी आदत नहीं लगनी, आदत मत पालना इसकी, आदत पड़ गई तो दिक्कत है, ठीक है ना, आदत नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा बहुत होता है तो उतना चलता है यार, कभी कभी सब लोग पीते हैं, ठीक है। टू टाइप्स क्या क्या होते हैं? सीजनल और पेरिनियल, ठीक है ना। कौन से सीजनल में कुछ क्या होता है? देखो पॉलिन ग्रेन के रिलीज के कारण से, ठीक। सीजनल कब होगा? जब हाँ या स्प्रिंग सीजन। राइट, तो पॉलिन फ्रॉम ट्रू ग्रासेस, ट्रीज, स्प्रूस, पाइन, वीट्स एक्सेट्रा में, ये सब में हो सकता है। पेरिनियल में क्या होगा कि मतलब कि ऑल द ईयर राउंड, ठीक है ना, क्रोनिक, तो मोल्ड स्पोर्स, रस्माइट, एनिमल डैंडो, ये सब हो सकता है। रियली सॉरी फॉर दैट बर्ब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या जानू हो जाता है, ठीक है ना, वैसे भी, ठीक है ना, तो समझ ही रहे हो, कॉफ़ी वॉफी, ठीक है, यही तो चल रहा है, यही शरीर में खून ज़्यादा तो कॉफ़ी दौड़ती है हम लोग के। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, ठीक है ना। एलर्जिन, एलर्जिन में इंक्रीज IgE, फट से क्लिक किया हमारे दिमाग में क्या कि इंक्रीज IgE होगा, मसल्स होंगे, डीग्रेनुलेशन होगा, ठीक है। IgE आएगा तो मसल्स ऑटोमेटिक सी बात है, फर्स्ट ईयर, अरे फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर पैथोलॉजी अपनी याद करो, मसल्स आएंगे। अर्ली में, अर्ली फेज में क्या होगा? जो एक होता है ना सेंसिटाइजेशन में, एक होता है फेज होता है, फिर एक होता है अर्ली फेज, एक होता है सेंसिटाइजेशन फेज करके, ठीक है। अर्ली में हिस्टामाइन आएंगे, हिस्टामाइन 3 पे काम करेंगे, म्यूकस ग्लैंड पे काम करेगा, ट्राइजमैनल नर्व पे काम करेगा, लोकल इन्फ्लेमेशन कराएगा। राइट, लेट में क्या होगा? इंटरल्यूकिन रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन 4, 13, सेल इन्फिल्ट्रेशन टू नेजल म्यूकोसा, नेजल इडीमा एंड कंजेशन हो जाएगा, नेजल इडीमा और कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन, राइट, नेजल इडीमा हो जाएगा और क्या 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 हो जाएगा, कंजेशन। राइट, क्या क्या होगा? नेजल इडीमा और कंजेशन हो जाएगा। राइट, तो एलर्जन में क्या होगा कि इंक्रीज IgE, पहले तो पहली बात कि इसमें एंटीबॉडीज बढ़ जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी? IgE एंटीबॉडी। ये क्या करेंगे? मसल्स पे एक्ट करेंगे। मसल्स क्या करेगा? अर्ली में हिस्टामाइन रिलीज करेगा, जो कि नेजल म्यूकोसा पे काम करेगा, ट्राइजमाइनल नर्व पे काम करेगा और लोकल इन्फ्लेमेशन कराएगा। राइट, और इंटरल्यूकिन 4 और 13 क्या करेंगे? सेल्फ इन्फिल्ट्रेशन टू नेजल म्यूकोसा, और ये क्या कराएगा? नेजल सेल इन्फिल्ट्रेशन के बाद नेजल एडिमा कंजेशन, ये करा देता है इंटरल्यूकिन 4 और 13। राइट, एसोसिएशन और रिस्क फैक्टर्स से क्या हुए? एलर्जिक राइनाइटिस के साथ दो चीज़ें और एसोसिएट करती है बहुत ही फ्रीक्वेंटली, एटोपिक ट्रायड इसको कहते हैं, ठीक है ना। एटोपिक ट्रायड जो क्रोमोज, देखो एटोपिक अगर आता है ना, एटोपी अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो क्रोमोजोम नंबर 5 के कारण से होता है, ठीक है ना, ठीक
ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 5। आई रिमेम्बर दिस बिकॉज मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा था, एंड क्रोमोसोम्स का इतना मेरे को रट गया था ना कि मेरे को यार कि इधर लात में रात में कोई लात मार के उठाता कि ये क्रोमोसोम का ये होता तो हम लोग बता देते थे, इतना पढ़ लिए थे हम लोग। खैर खैर पुरानी बात है। एलर्जिक राइनाइटिस अभी नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा हो जाता है, तीनों में क्या होता है, इंक्रीज आई जी, एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस और क्या अस्थमा, राइट, तीनों में आईजी बढ़ जाएगा, एलर्जिक, एटोपिक, अस्थमा। साइनस सिम्टम्स क्या होंगे, राइनोरिया सबसे पहली चीज। अगर कोई भी एलर्जी होता है, मान लो कोई भी अपने 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 अगर आपने कैसे कि मैं समझाऊं, या सोचो कि ठीक है हमने कोई भी हम जैसे हमको सर्दी को जुकाम होता है, राइट, सर्दी जुकाम होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, कोल्ड में क्या होता है, रनी नोज, राइट, तो रनी नोज है ये यार राइनोरिया। क्लियर डिस्चार्ज होगा, म्यूकस ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड बाई हिस्टामाइन, होता हिस्टामाइन अर्ली फेज में क्या कर रहा था, म्यूकस ग्लैंड को सेक्रेट कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, राइट, तो रनी नोज, क्लियर डिस्चार्ज होगा, म्यूकस ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड बाई हिस्टामिन एंड अदर्स इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, और ये क्या कराते हैं, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड रिलीज, ये क्या कराएंगे, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड रिलीज। स्नीजिंग करा सकते हैं, एलर्जेंट ट्रिगर स्नीजिंग, सीजिंग किसके कारण, ड्यू टू हिस्टामाइन इंड्यूस एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमाइलन नर्व, ट्राइजेमाइलन नर्व के कारण से। नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन क्या करे, क्रॉनिक क्रॉनिक नेजल कंजेशन, बेसिकली कंजेशन ऑफ नेजल कैविटी, मे हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग थ्रू नेयर्स, लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, नेजल कंजेशन भी हो सकता है, कंजेशन ऑफ नेवल कैविटी, ठीक है ना। नाम नाम याद करो इसका, केवल नाम नाम याद करना है, ठीक है ना, सबके बारे में लाइंस नहीं लिखनी, नाम नाम याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, एग्जाम में ये करना। कॉज बाय इंटरल्यूकिन 4-13 रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स विच आर रिक्रूट अदर सेल्स टू नेजल म्यूकोसा, ये सेल इन्फिल्ट्रेशन कराता था तो नेजल म्यूकोसा का एडीमा और कंजेशन करा देता था, यही चीज़ है, ठीक है ना। अगर याद हो कि लेट फेज में क्या होता था कि नेजल इंटरल्यूकिन 4 और 13 सेल इन्फिल्ट्रेशन कराता था नेजल म्यूकोसा में और इसका एडीमा कंजेशन करा देता था। पोस्ट नेजल ड्रिप में क्या होगा, क्रॉनिक 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 में, ठीक है ना, क्रॉनिक में पोस्ट नेजल ड्रिप, म्यूकस ड्रिपिंग इन द बैक ऑफ थ्रोट, फील्स लाइक समथिंग इन बैक ऑफ थ्रोट, कॉबल स्टोन फेरिंग्स होता है, कॉबल स्टोन थ्रोट हो जाता है, फेरिंग्स हो जाता है, ठीक है ना, तो म्यूकस ड्रिपिंग हो जाएगी बैक ऑफ थ्रोट में, फील्स लाइक समथिंग इन द बैक ऑफ थ्रोट, मतलब कि कुछ समझ में आया, हाँ कुछ है मतलब कि अपने थ्रोट में। कफ अगेन, कफ स्नीजिंग, कफ नॉन प्रोडक्टिव ड्यू टू इनहेलेशन और पोस्ट नेजल ड्रिप, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है बंदे को, कि इसके साथ एसोसिएटेड मतलब सिम्टम्स है, मान लें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द आई, रेड आई हो सकता है, मतलब कि एसोसिएटेड सिम्टम है, कंजक्टिवा बिकम इरिटेटेड फ्रॉम द एलर्जन सिस्टम एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कॉज वेजोडाइलेशन, मे बी वॉटरी और टीरिंग, वॉटरी और टीरिंग आइज भी देखने को मिल सकते हैं इसके साथ, किसके साथ, एट्रोफिक एलर्जिक राइनाइटिस के साथ। इसको क्या है ना कि इस चीज को एट्रोफिक राइनाइटिस के साथ कंसीडर मत करना है, एट्रोफिक राइनाइटिस एकदम अलग चीज है, एट्रोफिक राइनाइटिस बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका, टर्मिनेट इन नेजल म्यूकोसा का, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, क्लेप्सियला ओजोनी होता है बैक्टीरिया, राइट, और क्लेप्सियला ओरिजिनी ओजेनी के कारण से हो सके, इडियोपैथिक ही मोस्ट कॉमन होता है, और उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कोई हम लोग करें ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है, डीएनएस वीएनएस के कारण से हो सकता है कि एक साइड पूरा डिविएट कर गया और दूसरा साइड पूरा खाली हो गया, तो उसके कारण से क्या होता था कि मतलब कि भर जाता था पूरा, म्यूकस ब्लब्स बढ़ जाते थे पूरा, और बहुत ही फाउल स्मेलिंग, उसको कहते हैं मर्सीफुल अनोजमिया, ठीक है ना, वो होते नहीं लगता था बंदे को, और हाइपोजमिया वो मतलब कि बंदे को एज इन पर्टिकुलरली उसको समझ में नहीं आता था कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन उसके जो घर वाले हैं उसको लेके आएंगे कि हाँ डॉक्टर साहब इसको मर्सीफुल अनोजमिया हो रहा है, तो हम लोग नेजल इरीगेशन, ग्लिसरीन फिसरीन दे के और इसको सही कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर एसएमआर मतलब कि सब म्यूकोसल रिसेक्शन, सेप्टोप्लास्टी वगैरह कर देते थे कि यंग्स ऑपरेशन जो कहते हैं, उठा के फ्लैप सब, ठीक है ना, फिर हम लोग लगा देते थे, तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पे थी, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग एट्रोफिक राइनाइटिस का वीडियो देख सकते हो, इसमें होगा, ठीक है ना। नेजल प्रूराइटिस क्या होगा, इची नोज, अगेन प्रूराइटिस मतलब खुजली, खुजली मतलब इची, इची नोज ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज फ्रॉम मास्क, मोस्टली हिस्टामाइन के कारण से इची नोज, राइट, प्रोराइटिक आईज, इची आईज, मोए हैव स्मॉल आईलिड्स ड्यू टू इरिटेशन फ्रॉम एलर्जन हिस्टामाइन, एलर्जिक सल्यूट, एलर्जिक सल्यूट, ठीक है ना, अपवर्ड वाइपिंग और रबिंग ऑफ नोज, क्या होता है कि हम लोग बार बार नाक को क्या करते हैं, वाइप करने लगते हैं ना ऐसे कि हाँ पूरा हाथ से, कुछ होते हैं ना कि नैपकिन का यूज नहीं करेंगे, अभी हाँ भाई यार नाक रगड़ रहे हैं, अरे बैठे हैं लाइब्रेरी में ऐसे नाक करके नाक रगड़ रहे हैं खूब, ठीक है ना, क्या होता है उन लोग को एक ट्रांसवर्स लाइन और क्रीज बन जाता है, ठीक है, नाक के मतलब कि जैसे
जो आपका नाक वाला एरिया है, जो जस्ट नेजल वेस्टिब्यूल, जो आउटर, मतलब कि आउटर वाला जो एरिया है, ठीक है ना, आउटर वाले एरिया में एक क्रीज टाइप की आपको दिखेगी, ठीक है। लाइन में चेंज कलर, हाइपोपिगमेंटेड हाइपर पिगमेंटेड लाइन एक बन जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, एलर्जिक सल्यूट, ठीक है। ऐसे ऊपर करते हैं तो सल्यूट मारते हैं, ऐसे नहीं, इसी तरह से नाम पड़ा है। एलर्जिक शाइनर्स क्या होता है, डार्क सर्किल्स अंडरनीथ द आई, ठीक है, शाइनर्स होते हैं, मतलब डार्क सर्किल तो कैसे हो सकते हैं, ना सोने के कारण से, मेडिकल स्टूडेंट में बहुत ही कॉमन समस्या। एक पिटीशन हम लोग को डालना चाहिए डार्क सर्किल खत्म करने के लिए। डार्क सर्किल्स अंडरनीथ द आई कॉज बाय कंजेशन ऑफ स्मॉल वेसल, कंजेशन हो जाता है स्मॉल वेसल्स का अंडर द आई विच डार्कन इन अपीयरेंस, राइट, कंजेशन हो जाएगा स्मॉल वेसल्स का अंडर द आई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे थ्रोट में, थ्रोट में इची थ्रोट कुछ समझ में आएगा, कॉबल स्टोन मैंने बताया था कि हाँ कुछ समझ में आता है, ड्यू टू हिस्टामाइन इंड्यूस इरिगेशन सोर थ्रोट, मे बी ड्यू टू पोस्ट नेजल ड्रिप, पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण से, हाँ समझ में आता है, क्लियरिंग थ्रोट, स्टैकिन ट्यूब का डिसफंक्शन ऑब्वियसली, इन्फ्लेमेशन कंजेशन ऑफ नेजल कैनाल में स्प्रेड टू स्टैकिन ट्यूब, वो स्टैकिन ट्यूब तक भी मतलब कि कर सकता है, फ्लूइड विद इन द स्टैकिन ट्यूब, पॉपिंग नॉइजेज साउंड्स इन द, कुछ पॉपिंग नॉइजेज, आप पट पट की आवाज आएगी, हाँ पॉप कर रहा है कुछ, हाँ ठीक है ना, तो समझ में आता है स्टैकिन ट्यूब का डिसफंक्शन हो जाएगा। फैटिक में क्या होगा, फीलिंग टायर्ड जो कि अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में कॉज फटीग, ठीक है ना, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का रिलीज, ऑब्वियसली बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा तो फटीग तो होगा ही, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियस ही चीज़ है। हेडेक होगा, हेडेक, ठीक है ना, तो हेडेक मतलब फोर हेड हेडेक टेम्पल्स ऑफ हेड में भी अफेक्टेड ड्यू टू कंजेशन एंड प्रेशर विद इन द साइनसेस ऑफ हेड, राइट, समझ में आती है, अगर कंजेशन प्रेशर हो जाए साइनसेस में तो हेडेक हो जाएगा, ऑब्वियस ही चीज़ है। ईयर एक में भी ड्यू टू नेजल कंजेशन और प्रेशर विद इन द स्टैकिंग ट्यूब, चेंजेस इन प्रेशर विद इन द हेड, तो उसके कारण से क्या होगा, ईयर एक होगा, मतलब कान में दर्द, ठीक है, ड्यू टू नेजल कंजेशन, प्रेशर विद विद इन स्टैकिंग ट्यूब, चेंजेस इन प्रेशर विद द हेड, ये हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस कैसे, सेरोलॉजी टेस्टिंग करा दो यार, ठीक है, तो सेरोलॉजी करवा क्या हो, तो आईजी समझ में आएगा, बड़े होंगे स्पेसिफिक आईजी, एलर्जी टेस्ट जैसे कराते थे हम लोग, ठीक है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी भैया मत करना, अनकंट्रोल अस्थमा मत करना, नहीं तो आप उसको एग्रवेट कर दोगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी अवॉइड करना, सेसेशन ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो इन तीनों का सेसेशन कर दो, मतलब कि ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंटी आईजी, क्योंकि उमालिजुमैब होता है एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आई गेस, ठीक है ना, उमालिजुमैब, अगर फार्मा का अपना नॉलेज याद करो, हाँ उमालिजुमैब कहीं पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था, ठीक है, याद करके बताना, ठीक है, गोविंद रायगर, एंटी आई जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नाम क्यों मैंने बताया, तुम लोग ढूंढते जाके, कोई ना, ठीक है ना, नाम है उसका उमालिजुमैब, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट में क्या क्या करोगे, आइडेंटिफाई अवॉइड ट्रिगर्स, तो ट्रिगर जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई करो, अवॉइड करो, ऑब्वियसली सलाइन रिंसेस ऑफ नोज, उनको सलाइन रिंसेस कराओ कि हाँ भाई ज़्यादा ना दिक्कत करे, ठीक है ना, और रिंसन कराओ, नेजल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दो ऑब्वियसली, ताकि इम्प्रूवमेंट हो जाए सिम्टम्स का और सपोर्ट करे डायग्नोसिस को, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है नेजल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंटी हिस्टामिनिक्स ऑब्वियसली, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो एंटी हिस्टामिनिक्स दे दो, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट LTT4 LTA4 होता है, याद होगा, वो भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग की थोड़ी बात खत्म होती है एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, मिलते हैं आपसे जल्द, बहुत ही जल्द, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।